लेट्स स्टार्ट विद इंटीरियर। सबसे पहले आए हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह बॉयज चेक करो स्टार लाइट। ओ ये चस्का ये चस चेक करना ये भी बॉयज बेचना दे दी मेरे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और एक और खूबसूरत माशाल्लाह से गाड़ी का रिव्यू आपका भैया आप चैनल पे आज लिया है। इस चैनल गाड़ी को तुम लोगों ने पहले मेरे व्लॉग्स में बड़ी दफा देखा होगा लेकिन माशाल्लाह से आप ये गाड़ी कंप्लीट हो गई है तो हम इसका डिटेल से रिव्यू देंगे तुम लोगों को। चलो काफी हद तक तो हो गया, 95% तो हो गई है ना। खैर तुम लोगों को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटीरियर से। आए हाय 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 माशाल्लाह खूबसूरत इंटीरियर। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर। सबसे पहले आए हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी का लाल के साथ और ब्लैक के साथ कंट्रास्ट है। ठीक है, कल वाली जो गाड़ी थी उसका ब्लैक के साथ और फोर्स्ड ब्लैक के साथ कंट्रास्ट था लेकिन इसका ब्लैक और रेड के साथ कंट्रास्ट है। और सबसे पहले आगे बता जाता है हमारे पास फोर्स्ड कार्बन में रेड फोर्स्ड कार्बन स्टीयरिंग व्हील। ओह माय गॉड यार क्या माशाल्लाह फील है स्टीयरिंग व्हील की। टैंकी फुल है, ब्रिगेड का पुत्र है, टैंकी नहीं फुल होनी थी और किसी फुल होनी है। खैर वो इस गाड़ी में एटमोसफेरिक एम्बियंट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, पाँव में भी और ये वाली भी जो है हमारे पास डैशबोर्ड डोर कार्ड्स आ जाती है। लेकिन इस गाड़ी में एक बड़ी मजे की चीज है, बॉयज चेक करो स्टार लाइट भाई। एल्कांटारा के ऊपर स्टार लाइट इंस्टॉल्ड है। आय हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार ये जो रात के टाइम गाड़ी ड्राइव की चस्क रहती है लाइटें, मैं कह रहा हूँ बशर पुत्र जितना मजा आता है ना इस पर। आय हाय 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 हाय। बाकी द कार इज ऑन कॉइल ओवर्स। ठीक है, ये TPMS लगा हुआ है टायर प्रेशर बताने के लिए और गाड़ी जो है वो कॉइल ओवर्स पे है। इसके बाद अंदर एयर थी लेकिन गेज रह गई है, एयर निकल गई है। क्या तुम लोगों को बाहर से गाड़ी दिखाता हूँ। ये है गाड़ी की आउटर लुक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट पे। बॉडी किट कस्टम मेड होंडा सिविक RS टर्बो 24 मॉडल की कस्टम मेड बॉडी किट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और इसकी बोनेट के ऊपर जो है वो कार्बन फोर्ज रैप है लाइट। और ये चस्का ये चस चेक करना ये भी ये भी गाड़ी बंद भी हो जाएगी यार। ये वेरी एक्सपेंसिव स्टफ बॉयज। और फ्रंट पे DRL तू मामा वेचा पेश कर ला। खैर फ्रंट पे जो है रेड DRLs है माशाल्लाह। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना वो बहुत ही अच्छी है। आय हाय हाय हाय। रिम सेटअप पे आ जाएं तो बॉयज ये 17 इंचज के अंदर रिम्स हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक बोथ स्ट्रेट सेटअप है। साइड पे साइड पैनल इंस्टॉल्ड हैं, साइड कनार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं और बैक साइड पे अगर देखा जाए तो ये लावा लाइट्स हैं। ये इंशाल्लाह वेरी सून चेंज हो जाएंगी। डुअल एग्जॉस्ट क्लिप गाड़ी के ऊपर जो है डक्टाइल स्पॉइलर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ऑन ये नहीं है, ये उतार दी है, वो मैंने वही दिखाया अंदर गेज रह गई है, एयर उतर गई है। टक एयर सस्पेंशन हाँ। और वो इस बैक साइड से अगर बॉडी किट की बात की जाए तो ये होंडा सिविक RS टर्बो की बॉडी किट कस्टम 11 जनरेशन। ठीक है, उसकी बॉडी किट इंस्टॉल हुई है, डुअल एग्जॉस्ट है। और तुम लोगों को मजे की बात बताऊँ, द कार इज स्टेज 1 ट्यून्ड। इसके मांडे भी मजे के हैं। ठीक है, लेकिन मैं इस बंदे के साथ बिल्कुल नहीं बैठ रहा, मुझे अपनी जान बड़ी चीज़ है। ये बंदा बंदे के ना गुर्दे मुंह तक ले आता है। खैर बॉयज ये गाड़ी का बाहर से वॉक अराउंड है, जो जानते हैं उनको पता है। खैर ये बॉयज गाड़ी का बाहर से वॉक अराउंड है, तुम लोगों को थोड़े से सेक्सी सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो गाइज ये थी हमारी सिल्वर शैडो। ठीक है, ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं हुआ, छोटा व्लॉग है,
तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी इंशाल्लाह, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, ओके अल्लाह हाफिज़।